بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه السلام آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على حميد مجيد। खुशबुओं ने जन्म लिया है मेरे नबी के होठों से। आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ना, आप अगर नहीं बोलेंगे तो फिर मैं माइक छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं आपके चेहरों को नहीं देख रहा, मैंने आंखों का काम भी कानों से लेना है। इसलिए अगर मुझे सुनना है कुछ देर तो फिर आपको बोल तापीर गिनो खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। जिंदगी में जो मुश्किलें जो सख्ता रखा उनके लब पर दुरूद और सलाम आ गया, जिनके लब पर दुरूद और सलाम आ गया उनके हिस्से में कौसर का जाम आ गया। इंतहाई काबिले कदर रोजी वक्तार बरादरान इस्लाम तलबाए अजीज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इस बड़े ही मुखलिस व मुहतरम मेरे बड़े प्यारे दोस्त बड़े अजीज तरीन मुखलिस तरीन खरे सच्चे सच्चे इंसान इस इलाका की शान आन इस इलाका के अंदर जिनों और गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। मैंने सिर्फ चंद मिनट गुफ्तगू करनी है, मेहमानों के आने से पहले मैंने माइक छोड़ देना है। लेकिन एक दरखास्त आपसे करूंगा, जितनी देर मेरी तवज्जो चाहिए। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं? जो जो मेरी तरफ मुतवज्जे हैं जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। मैंने आज आपसे बहुत खास बातें करनी है और इंशाअल्लाह मैं रबीउल कुरान धनोट के बच्चों की थोड़ी देर के बाद दस्तार बंदी होने वाली है। ये दस्तार बंदी क्यों हो रही नहीं है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ जितना खुल के सुभान अल्लाह कहोगे तुमसे ज्यादा अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरे हुए हैं, तुम्हारी नेकियां नोट की जा रही हैं। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। ये कुरान कोई मामूली चीज नहीं है, कुरान मामूली चीज नहीं है। ये कुरान वो अरफा वाला किताब है, कुरान वो बरतरा वाला किताब है, कुरान वो इज्जत वाली किताब है। अरे तुम कुरान की बात करते हो, मैंने तो अपने असातिज़ा के कदमों में बैठकर ये सीखा है। तुम उस कपड़े को दुकान से कपड़ा खरीदने जाते हो, हाँ, तुम पहनने के लिए भी कपड़ा खरीदते हो, इस्तेमाल के लिए भी कपड़ा खरीदते हो। कभी आपने देखा है जो कपड़ा पहना जाए उसको कोई बंदा चूमता हो? कभी देखा है? नहीं देखा। लेकिन आप दुकानदार के पास जाओ, उसको कहो मियां जी कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, आला किस्म का थान निकालेगा, आला किस्म के कपड़े देगा। तुम भी महंगे दामों कपड़े लेकर के आओगे, पहन लोगे, बड़ी इज्जत बनेगी तुम्हारी कपड़ों के साथ। किसी दुकानदार को जाके कहो यार कुरान के खिलाफ चढ़ाना है, कपड़ा तो दे दो, वो तुम्हें आला किस्म का कपड़ा नहीं देगा, आला किस्म का थान नहीं खोलेगा। देखेगा खस्ता हाल कपड़ा, पुराना कपड़ा, नाकाबिले इस्तेमाल कपड़ा तुम्हें उठाकर दे देगा। उसी कपड़े को लाकर अल्लाह के कुरान के साथ जोड़ दोगे। हाँ हाँ, अब जब भी तू कुरान को उठाएगा, कुरान को चूमेगा, पहले उस कपड़े को चूमेगा, बाद में कुरान को चूमेगा। इस कपड़े को इज्जत मिल गई कुरान की वजह से, कपड़े को कुरान की निस्बत की वजह से अल्लाह ने आला बना दिया। मुझे बताओ, कपड़ा कुरान के साथ लगने की वजह से आला बन गया। जो बच्चों ने अजीज या रबीउल कुरान के अंदर अपने सीनों में कुरान महफूज कर लिया, उनके जिस्मों के अंदर, सीनों के अंदर कुरान चला गया। क्या कुरान की वजह से वो आला नहीं बने? ये कुरान मेरे रब की वो किताब है जो ला रेब है, बेअैब है, मुकद्दस है, मुतहर है। और मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आज बलोच की सरजमीन से लोगों, इस कुरान को मिटाने की बातें ना किया करो, नहीं तो तुम मिट जाओगे। बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने कुरान की जगहों को मिटाने की बातें की, खत्म करने की बातें की। आज उनका आपको नामो निशान भी नजर नहीं आता। और यहाँ मदरसों में आज भी बच्चों की दस्तार बंदियां हो रही हैं कि नहीं हो रही? कुरान पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा? कुरान के मदरसे कम हो गए या ज्यादा हो गए? तो मालूम ये हुआ, जिस किताब का जिम्मा मेरे अल्लाह ने लिया हो, उसको कोई इंसान खत्म कर सकता है? किसी के बस की बात है? किसी के अंदर ताकत है, कुव्वत है? अगर कोई बात करता है तो वो फिर तैयार रहे माली कलम जगल के साथ मुकाबले के लिए, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया है। और अब मैं चंद बातें इन बच्चों से करना चाहता हूं जिनकी आज दस्तार बंदी है। अजीज या रबीउल कुरान के तलबाज से करना चाहता हूं, मेरे अजीज तालिब इल्म हो, आपने ये कुरान पढ़ तो लिया है, आपने ये कुरान याद कर तो लिया है, आपने ये कुरान सीनों में सजा तो लिया है। अब आज आपके माँ बाप भी बड़े खुश होंगे, आप भी बड़े खुश होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, आज जो तुम्हारे सरों पे पगड़ियां रखी जाएंगी, ये पगड़ियां नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ रही है। एक क्या आ रही है? जिम्मेदारी आ रही है। जिस कुरान को अब तक पढ़ा है, अब उस कुरान को संभालना भी है, अब उस कुरान को संभालना भी है, उस कुरान की हिफाजत भी करनी है। तुम कुरान की हिफाजत करो, कुरान कब्र में तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम दुनिया में कुरान को याद रखो, कुरान कब्र में तुम्हें आजाब से बचाएगा। दुनिया में कुरान को पढ़ते रहो, इसको तन्हाइयों में पढ़ो, खलवत में पढ़ो, जलवत में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, मुसल्लों पे पढ़ो, बिस्तरों पे पढ़ो, रातों को पढ़ो, लोगों के सामने पढ़ो, अल्लाह के सामने पढ़ो, तन्हाइयों में पढ़ो, जिस तरह हो। आज तुम दुनिया में तुम कुरान को ना छोड़ो, कब्र में जब सारे तुम्हें छोड़ जाएंगे तो कुरान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस कुरान को याद रखना अब ये हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात मैं पूरे मजमे से कहलाना चाहता हूं, आजकल बहुत सारे लोग ये बात करते हुए नजर आते हैं, मौलवियों ने इस्लाम का ठेका ले लिया, मौलवी दीन के ठेकेदार बन गए और किसी को इस्लाम की बात करने की इजाजत नहीं देते। अरे भाई, आपको किसने कहा मौलवियों ने इस्लाम का ठेका लिया? मैंने तो ये सबक पढ़ा है अपने असातिज़ा के कदमों में बैठकर, और वो मैं सबक, चाहे कोई मुझसे बड़ा है, छोटा है, मजमे में है, जहां कहीं है, सबको आज याद करा के जाना चाहता हूँ कि हम इस्लाम के खादिम हैं। सब कहो हम इस्लाम के, बुलंद आवाज से कहो हम इस्लाम के। या अल्लाह, जो बुलंद आवाज से मेरे साथ बोले, जब उसके जिस्म से जान निकले निकले उसको कलमा तैयबा वाली मौत देना, उसको कलमा शहादत वाली मौत देना, उसको मदीना मुनव्वरा वाली मौत देना, उसको जन्नतुल बक़ी में कब्र वाली मौत देना, उसको क़यामत वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना, हुजूर के हाथों जामे कौसर नसीब फरमाना। बुलंद आवाज से कहो हम इस्लाम के खादिम हैं, बोलो हम इस्लाम के खादिम हैं, हम कुरान के खादिम हैं, हम दीन के खादिम हैं, हम मदारिस के खादिम हैं, हम सहाबा के खादिम हैं, हम पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, हम कुरान के खादिम हैं, हम कुरान के पहरेदार हैं, हम कुरान के चौकीदार हैं। कभी ये दावा नहीं किया हम ठेकेदार हैं, नाना हम पहरादार हैं, हम खादिम हैं, हम चौकीदार हैं, हम पासवान हैं। अगर आज मेरा रब चाहता मुझे सनतकार बनाता, मेरा रब चाहता मुझे बाजार का ताजे बनाता, मेरा रब चाहता मुझे बिजनेसमैन बनाता, मेरा रब चाहता मुझे दुकानदार बनाता, मेरा रब चाहता मेरी भी बड़ी बड़ी प्राप्तियां होती। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे कुरान का पासवान बनाया, कुरान का खादिम बनाया, कुरान का पहरेदार बनाया, दीन का पहरेदार बनाया, दीन का चौकीदार बनाया। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह हमें मरते दम तक इससे महरूम न करना। और ऐलान करता हूँ तुम जितनी मर्जी से कोशिशें कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, जो कुछ मर्जी कर लो, ना हमें कुरान की पहरेदारी से कोई ताकत आज तक रोक सकी है, ना क़यामत की सुबह तक कोई रोक सकेगी। हम कुरान के पहरेदार हैं, बोलो हम कुरान के क्या है। ये बच्चे ये सबक याद कर लें। आज तुम मदरसे की चार दीवारी से निकलोगे, तरह तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा, तरह तरह की बातें सुनना पड़ेगी, तरह तरह के प्रोपेगेंडों का सामना करना पड़ेगा। सबक एक ही याद रखना कि हमने कुरान की खिदमत का जिम्मा लिया है, हमने दीन की पहरादारी का जिम्मा लिया है, हमने दीन की चौकादारी का जिम्मा लिया है। और मेरे दोस्तों, मैंने एक हदीस पढ़ी दौरान खुतबा, उसका मफहूम अर्ज करना चाहता हूं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अनवारिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों सूरतों को नहीं देखते, तुम्हारी मालदारी को नहीं देखते। याद रखना, न मेरा रब किसी का मोहताज है, न मेरे रब का दीन किसी का मोहताज है। आज अगर ये कुरान हमारे सीनों में है तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें कुरान की खिदमत के लिए चुन लिया है। अल्लाह के नबी ने आगे इरशाद फरमाया, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखते हैं, अल्लाह तुम्हारे आमाल को देखते हैं, नीयतों को देखते हैं। नीयत अच्छी हो, दिल अच्छा हो, आमाल अच्छे हो, वो रंग का काला ही क्यों न हो, अल्लाह उसको बिलाल हबशी बनाकर नबियों का, नबी का खादिम बनाता है। अल्लाह उसको रंग का काला ही क्यों न हो, रईसुल मुअज़्ज़िरीन बनाता है, रंग का काला ही क्यों न हो। तो चाहे कोई रंग का काला ही क्यों ना हो, अल्लाह के नबी ने उसके लिए ये बशारत सुनाई कि क़यामत वाले दिन सबसे पहले जन्नत में मैं दाखिल होऊंगा, लेकिन मेरे आगे आगे रंग का काला बिलाल होगा। तो मालूम ये हुआ, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए रंग और रूप से इंतखाब नहीं होता, शक्ल सूरत से इंतखाब नहीं होता। अगर ये बात होती तो दुनिया में जितने हसीन थे वो सारे आलिम होते। अगर ये बात थी तो दुनिया में जितने मालदार आए थे, जितने अमीर आए थे, वो सब के सब कुरान के कारी और हाफिज होते। लेकिन ये नेमत अल्लाह ने गरीबों के हिस्सों में रखी। ये जितने बच्चों ने आज कुरान मजीद याद किया है, ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इनके माँ बाप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अभी मुझे बताया गया है कि चंद लम्हों के बाद, चंद घड़ियों के बाद, चंद मिनटों के बाद, चंद सेकंडों के बाद जिस शख्सियत को आप देखने के लिए यहाँ आए हैं और आप बड़ी बेताबी से इंतजार में हैं, बड़ी शिद्दत से आपका दिल बेकरार है और आपको कोई भी स्टेज पर इस वक्त माइक के सामने अच्छा नहीं लग रहा। आप में से हर शख्स ये चाह रहा है कि कब वो शख्सियत स्टेज पर जलवा फरोज हो और हम उसकी जियारत करें, हम उसका कलाम सुने, हम उसको देखकर मुस्तफीद हों। तो आपके लिए खुशखबरी है इंतजामिया की तरफ से कि आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने के बिल्कुल करीबी मराहिल में है। चंद घड़ियों के अंदर शायर इंक़िलाब, शायर इस्लाम, मद्दाह सहाबा, मद्दाह सरवरे कौनैन, वो शख्सियत जिसने अपना ओढ़ना बिछोना सहाबा की तारीफ को बनाया, अपना जीना मरना सहाबा के नाम किया, जिसने हालात की सर्दी गर्मी को नहीं देखा, जिसने अपनों गैरों की तानों तश्नियात को सबेताज करते हुए पसे पुष्ट डालते हुए अपने मौकफ और मिशन के अंदर गामजन रहे। मेरी मुराद हजरत अकदस मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब चंद घड़ियों के अंदर आपके सामने स्टेज पर जलवा फरोश होंगे। इसलिए आपसे दरखास्त है कि आप शौक और ज़ौक़ के साथ, दिलजमी के साथ तशरीफ रखें। मैं सिर्फ अगले 2 से 3 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, तो मेरी गुफ्तगू जो अब तक हुई उसका खुलासा 2 से 3 बातें आप याद कर लें। पहले मैंने ये अर्ज किया कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, इसको कोई दुनिया का बंदा मिटा नहीं सकता। कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया? भाई बुलंद आवाज से बोलो। मुफ्ती साहब को ऐसे सुनोगे आप जैसे मुझे सुन रहे हो, तो खुदा के बंदे कोई जज्बा दिखाओ, कोई ज़ौक़ दिखाओ, कोई शौक दिखाओ। इतनी दूर दूर से तुम सफर करके आ गए हो और बोल भी नहीं रहे, क्या फायदा तुम्हारे सफर का? अगर यहाँ पर सियासत की बातें छिड़ जाए, हुकूमत की बातें छिड़ जाए, महंगाई है या नहीं ये बातें छिड़ जाए, तुम में से हर शख्स अपने अपने तबसरे देगा। कितने अफसोस की बात है, हम तुमसे कुरान की बात पूछ रहे हैं, अल्लाह की बात पूछ रहे हैं, और तुम सोच रहे हो लफ्जों से भी पूछ रहे हो कि हम बोले या ना बोले। और के बंदे अल्लाह का नाम लेने में कंजूसी ना किया करो। तुम यहाँ पे बोलोगे अल्लाह अर्शों पे तुम्हारा जिक्र करेगा, यहाँ पे अल्लाह का नाम लोगे अल्लाह फरिश्तों में तुम्हारा नाम लेगा। जो जो ये चाहता है मेरा अल्लाह फरिश्तों में मेरा नाम ले, अब मैं जो बात भी पूछूं मेरे साथ जवाब देगा। मैंने कहा कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया है? अल्लाह ने। इसको कोई दुनिया का बंदा मिटा नहीं सकता। दूसरा मैंने ये अर्ज किया कि हम सब लोग कुरान के भाई क्या है? खादिम है। बुलंद आवाज से क्या लोग कुरान के खादिम हैं, दीन के खादिम हैं, इस्लाम के खादिम हैं। तीसरा मैंने ये अर्ज किया अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो किसी शायर ने कहा था कि यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर। तो वो ऐसी शख्सियत तशरीफ ला चुके हैं हमारे डीजी खान से, बहुत बड़े अजीम बुजुर्ग शख्सियत पीर तरीकत जनाब मुफ्ती मौलाना खुदाबख्श साहब तशरीफ लाए, और इनके साथ मेरे बरादर मोहतरम खतीब इस्लाम हजरत मौलाना कारी हक नवाज साहब डीजी खान से तशरीफ लाए और दीगर अहबाब तशरीफ लाए। आप तमाम अहबाब की तरफ से, मदरसा की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से हम इनको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना लंबा सफर करके हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए तशरीफ लाए। जनाब मौलाना खुदाबख्श साहब और इस तरह मौलाना हक नवाज साहब, हम इनको दिल के तागराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और दूसरी गुजारिश ये है कि हजरत का बयान चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने भी आपको खुशखबरी सुना दी है और कुछ ही लम्हों बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब स्टेज पर जलवा अफरोज होने वाले हैं। कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका ईमान ताज़ा हो रहा है और वो अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए आया है, वो दाया हाथ बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। चूँकि मेहमान आ चुके, मैं 1 से 1.5 मिनट में इंशाअल्लाह आपकी जान छोड़ दूंगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था तो इन मेहमानों को भी हम खुश आमदेद कहते हैं। वो किसी ने कहा था ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं कलियां न बिछाना पर हम पलके बिछाने वाले हैं। मेरी जो खुशकिस्मती है बुजुर्ग शख्सियत तशरीफ ला रहे हैं और मेरे जैसा नालायक तालिब इल्म, मुझे उनसे दुआएं लेने का मौका मिल रहा है और अपने असातिज़ा की जूतियों में बैठकर जो सबक सीखा है मैं सुना रहा हूँ और पीछे बैठे हैं। यकीनन मेरे लिए इनके दिल से दुआएं निकल रही होंगी और मैं इसी को अपनी बख्शिश और निजात का जरिया समझता हूँ। तो मैं ये आपसे सबक कहलवा रहा था कि हम इस्लाम के खादिम हैं, हम कुरान के खादिम हैं, हम दीन के खादिम हैं, हम दीन के पहरेदार और चौकीदार हैं। और तीसरी बात मैंने ये अर्ज की थी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल सूरतों को नहीं देखते, तुम्हारी मालदारी को नहीं देखते। इस जिमन में मैंने ये अर्ज किया मेरे दोस्तों, किसी आलिम को भी, किसी तालिब इल्म को भी किसी घमंड में, फख्र में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो अपने असातिज़ा से ये सीखा है, हमारी खुशकिस्मती है अल्लाह ने हमें दीन के साथ जोड़ रखा है, वगरना न मेरा रब किसी का मोहताज है, न मेरे रब का दीन किसी का मोहताज है। अल्लाह इस बात पर भी कादिर है, अगर अल्लाह ना करे सारे लोग दीन का काम करना छोड़ दें, मेरा रब परिंदों की जबान पे कुरान जारी करवा के भी कुरान की हिफाजत करवा सकता है और दीन का काम ले सकता है। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ने हमें कुरान जैसी अजीम नेमत के साथ जोड़ा और हमें अल्लाह से डरते रहना भी चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें मरते दम तक कुरान के साथ जोड़े। और मेरे दोस्तों, आखिरी जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये महीना कौन सा चल रहा है? सारे नहीं बोल रहे, जिनको पता है वो बोले। कौन सा महीना चल रहा है? रबीउल अव्वल का महीना है। रबी का माना होता है बहार, अव्वल का माना पहली, पहली बहार। रबीउल अव्वल का क्या माना हुआ? पहली बहार। पहली बहार क्यों है? क्योंकि इस महीने के अंदर वो हस्ती आई है जिसकी वजह से हमें कुरान मिला है। पहली बहार क्यों है? इस महीने में वो हस्ती आई है जिसकी वजह से दीन मिला है। पहली बहार क्यों है? वो हस्ती आई है जिसकी वजह से दीन मिला, जिसकी वजह से इस्लाम मिला। उसी हस्ती की वजह से सहाबा मिले, उसी हस्ती की वजह से मुझे अपनी माँ की इज्जत का पता चला, उसी हस्ती की वजह से मुझे अपने बाप के अदब का पता चला, उसी हस्ती की वजह से मुझे अपनी बहनों की इज्जत का पता चला, उसी हस्ती की वजह से बेटी के साथ क्या बर्ताव करना है मुझे पता चला, उसी हस्ती की वजह से मुझे पता चला बड़ों के सामने कैसे बोलना है, उसी हस्ती की वजह से मुझे पता चला छोटों के साथ क्या मामला करना है। उसी हस्ती ने नमाज दी, उसी हस्ती की वजह से ज़कात मिली, उसी हस्ती की वजह से रोजा मिला, उसी हस्ती की वजह से कुरान मिला, उसी हस्ती की वजह से मुझे वो हस्ती वो है जो बहारे कायनात है, रौनके कायनात है, जाने कायनात है, रूहे कायनात है, तबीबे कायनात है, जामिउल बरकात है, फसीहुल निसा है, बलीगुल बयां है, रौनके दो जहां है, जाने जहां है, इमामुल अंबिया है, वाली कौनो मका है, मुंबई जूदो सखा है, ताजदार मदीना है, सुरूर कल्ब सीना है, साथी कौसर है, शाफे महशर है, आमना कलाम है, अब्दुल्ला का लख्ते जिक्र है। जी हाँ, यही वो हस्ती है। इशारा जमीन पे करता है, टुकड़े चांद होके आ जाता है। यही वो हस्ती है। सैर को जी चाहता है, अल्लाह अर्शों पे बुला के सैर करवा दिया करते हैं। यही वो हस्ती है जिसके आने की वजह से किसी ने कहा था कि उनका नाम तो शहद से भी ज्यादा मीठा है, उनका नाम तो चीनी से भी ज्यादा मीठा है, उनका ऐसा नाम है जो जैसे ही लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। अरे उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनके जैसा प्यारा उनसा प्यारा और न कोई, जिसके हिजर में लकड़ी रोई जब वो सैर को जाया करते, सर पे बादल साया। ये वो हस्ती है रबीउल अव्वल के अंदर। उस हस्ती की आमद है कि अगर सबसे बढ़कर मैं कहूँ, उसी हस्ती की वजह से मुझे कलमा मिला है, उसी हस्ती की वजह से मुझे ईमान मिला है। अगर वह हस्ती ना होती, खुदा की कसम, आज हम कहाँ भटक रहे होते। आज ना ईमान होता, ना इस्लाम होता, ना कलमा होता। और उसी हस्ती की वजह से मुझे अपना खुदा मिला है, मुझे अपने रब का तारुफ हुआ है, मुझे अपने अल्लाह का तारुफ हुआ है। इसीलिए किसी ने कहा था, रोशनी भी मिली, रास्ता भी मिला, आप आए तो हमको खुदा मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह से हमें अल्लाह जैसी अजीम हस्ती का तारुफ हुआ, हमें अपने मालिक का तारुफ हुआ। मेरे दोस्तों, मैं आखिर में आपसे एक दो बातें करना चाहता हूँ। बातों की सूरत में यूं कह लो, बिल्कुल मेरी गुफ्तगू के आखिरी जुमले हैं। आपसे अल्लाह और उसके पैगंबर की मोहब्बत की भीख मांगना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, बड़ा सफर करके आए हो, मेरे बाद बड़ी अजीम हस्तियों को सुनोगे। मैं तो उनके बच्चों की तरह हूँ, उनके शागिर्दों की तरह हूँ। उनके आने से पहले उनके लिए खातरूप बनकर सड़क को साफ करने की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूँ, जिंदगी गुजारनी है कुरान की मोहब्बत में गुजारो, जिंदगी गुजारनी है आका की मोहब्बत में गुजारो। दीवाने बन जाओ कुरान के, खादिम बन जाओ कुरान के, नौकर बन जाओ कुरान के, पासवान बन जाओ कुरान के, पहरेदार बन जाओ कुरान के। नाम के नहीं, हकीकत में गुलाम बन जाओ इमामुल अंबिया के। आपके चेहरे पे हुजूर की सुन्नत का नूर बताए कि ये हुजूर का गुलाम आ रहा है। आपके जिस्म के अंग अंग में हुजूर की सुन्नत का नूर समा जाना और बस जाना चाहिए। जिंदा रहना चाहते हैं कुरान की मोहब्बत में, जिंदा रहना चाहते हैं आका की मोहब्बत में, खुदा की कसम मर जाना चाहते हैं कुरान की मोहब्बत में, मर जाना चाहते हैं आका की मोहब्बत में। अल्लाह मुझे भी ऐसी जिंदगी, ऐसी मौत दे। अल्लाह पूरे मजमे को, तमाम लोगों को कुरान और मेरे आका की मोहब्बत वाली जिंदगी, कुरान और मेरे आका की मोहब्बत वाली मौत दे। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी। मैंने तो दिल जला के शरेआम रख दिया। आखिर में इन तमाम दोस्तों का फिर शुक्रिया अदा करते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके होता है, अब एक जमात पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में। असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तो बढ़ता है, कुफर से फिर क्यों डरता है। यहाँ इस्लाम का नाम ना ले, यहाँ शौक शहादत पैदा कर। जिस तरह हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, अल्लाह करे हम सब जन्नत में भी इसी तरह इकट्ठे हो जाए।